गीता है, गीता ने दी जान। एक एक करके भाई, एक एक करके। अगर राखी, अगर किचन नाइफ से भी लोग अगर हत्या करते हैं, नीचे राख छोड़ दीजिए, किचन में जितनी भी नाइफ है सब बंद कर दो, तो मतलब देख तो जिस तरह से किस चीज़ नहीं, मैं सीलिंग फैन की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 360 डिग्री जो डेज है उसमें से एक साल में कम से कम 1000 लड़कियां आत्महत्या करती है। सीलिंग फैन हटाया जाए, ये मेरी मांग है, सीलिंग फैन हटाया जाए, टेबल फैन रखो, एसी रखो, जो सबसे ज्यादा गरीब है। 150 लोग मरते हैं तो रेल बंद किया जाएगा। मैं सीलिंग, वो सरकार कदम उठाए, हम लोगों ने भर भर के वोट दिए हैं। लेकिन मैं आप फ्यूचर की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर रोज 150 लोग मरते हैं तो ये बंद किया जाए रेलवे। बेसिकली वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी मेन ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा ये है कि प्रत्युषा इनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मुद्दा ये है प्रत्युषा इनकी, प्रत्युषा बहन थी इनकी, बहुत अच्छी दोस्त थी, और उसके लिए रेली ये चिंतित है, रेली हमें जस्टिस चाहिए। और एक जस्टिस के लिए जिस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, वीडियो बाहर लाया जाए, सुसाइड का इसको लीड किया जा रहा है, मतलब पुलिस को दोनों एंगल लेके ज्यादा से ज्यादा लड़कियां मर्डर जो है, आप देखिए कितने केसेस फैन से लटक के जान देती है। राखी, हम आपसे मुद्दा उठाया, आपने कहा कि हाँ एक वीडियो भेजा गया सुनील शर्मा जी जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है, आप किस आधार पर करें कि कोई वीडियो भेजा गया, क्या आपने ऐसा कोई वीडियो देखा, आपके पास है या कोई सबूत जो आपके पास उपलब्ध हो देना चाहें। मैं हम लोग को पहले ये वार्न किया गया है कि पहले हम लोग को क्राइम ब्रांच में जाके देना है वो वीडियो। बहुत बड़ा एविडेंस है, क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस को भी पहले से दी है? और दूसरा, क्या आप ये दावा कर रही हैं कि जब सलून ने ये वीडियो प्रत्युषा को भेजा उसे देखकर उसने खुदकुशी की, ये दावा है आपका? मैं ये दावा कैसे कर सकती हूं? नहीं तो आप बता दीजिए, एक वीडियो भेजा गया वो देखने के बाद वो शायद इंपैक्ट कर किया हो, मेंटली टॉर्चर, वो मेंटली टॉर्चर्ड थी, मेंटली टॉर्चर है ना, डिप्रेशन में थी, और ज्यादा वो इनफैक्ट उसको ये भी पता चला कि राहुल शादीशुदा था, मतलब ये भी कुछ दिनों पहले ही पता चला जहां तक हमें पता है। तो जो बंदा शादीशुदा है, जिसके कई सारे अफेयर्स हैं, अचानक पता चले कि नहीं ये शादीशुदा भी है, उसकी बीवी है, तो ऑब्वियसली राहुल को 2-3 बार मैंने वार्न किया था। राखी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं आज के दिन ही 5 अप्रैल 1993 जी वो दिव्या भारती ने आत्महत्या, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा जी। तो क्या मुंबई में बिल्डिंग बनाना बंद कर दिया जाए? नहीं देखिए देखिए प्लीज थोड़ा सीरियस हो जाइए, प्लीज इज अ रिक्वेस्ट, आप मजाक मत उड़ाइए। दिव्या जी भी बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी, बहुत ही मासूम, मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए। नहीं मतलब ये राखी सावंत ने फैन का बात करी, आप तो आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। यही कोई मिनिस्टर या स्मृति ईरानी जी ये काम करती तो आप लोग तालियां बजाते हैं ना, क्यों क्यों? एजुकेशन मिनिस्टर है वो, इसीलिए मतलब हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। नहीं बेसिकली हम वापस मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आना चाहते हैं प्लीज। आपके पास जो वीडियो है मीडिया को देना चाहेंगे? नहीं, पहले हम लोग सारे प्रूफ जो हैं वो पुलिस में और क्राइम ब्रांच को देंगे। कुछ लोग आने वाले थे लेकिन एंड टाइम पे बैकअप किया है, जो क्राइम ब्रांच के भी लोग आने वाले थे। जैसे कि राखी जी ने कहा कि कुछ प्रेशर है कि जो चीजें हम डायरेक्टली ये मीडिया के सामने देना चाहते थे वो अब हमें पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, वो ये नहीं बता सकती, वो ये नहीं बता सकती अभी, और डेफिनेटली मीडिया के सामने वो चीज आएगा, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ देखो क्राइम ब्रांच से भी लोग आने वाले थे और बहुत सारे जो लड़की थी, आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो है वो भी आने वाली थी, एंड टाइम पे बैकअप किया है। लेकिन मीडिया में वही हमने कहा कि उसको डायरेक्टली पुलिस के सामने दिया जाएगा। देखिए आपकी 100 बात की एक बात कि ये सीलिंग फैन जो मैंने बोला है वो घर घर में बंद कर दिया जाए, टेबल फैन रखा जाए, 5000 जो फैन है वो हम लोग खुद मिलके गरीबों में बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा,
अब बोलो पटरी बंद करवा दो, बिल्डिंग बंद करवा दो। अरे एक नेक काम तो कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे सबके भाषण दे रहे हैं, सिर्फ देश के लिए क्या काम कर रहे हैं बताइए? दूसरे लोग से भाषण दे रहे हैं। नहीं नहीं, मेनली जो मुद्दा है, देखिए हम मीडिया से, राखी जी, बिल्कुल राखी जी और मैं दिनेश तिवारी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारी वो दोस्त थी प्रत्युषा, हमारी बहुत अच्छी, इनकी तो बहन जैसी, इनकी बहुत ही खास दोस्त, जो कि आज तीसरा चौथा दिन है और अभी तक राहुल अरेस्ट नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि राहुल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है अभी तक? मीडिया के सामने अभी तक सुसाइड को इसके लीड किया जा रहा है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, सिर्फ सुसाइड का एंगल ले रही है। क्यों पुलिस एंगल ले रही है मर्डर का? मर्डर का एंगल क्यों नहीं ले रही? जब वो पंखे से लटकी पाई गई तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज होंगे और लोग होंगे, किसी ने क्यों नहीं देखा है उसको ले जाते हुए बिल्डिंग से? उसके जो सीसीटीवी फुटेज हैं कहाँ है वो? और उसे छोड़ दिया गया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया गया, सब कह रहे हैं कि वो हाथ उठाता था। नहीं, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, लेकिन वो लाश लेके क्यों भागा जब ऑलरेडी मर चुकी थी? आप बताइए, अगर कोई लड़की को आप पंखे से लटका हुआ पाएंगे तो इमीडिएटली पुलिस को बुलाना चाहिए था, उसने कितने सबूत मिटा दिए, या पड़ोसी को बुलाएंगे, सबूत कितने मिटा दिए? और उसके बाद वो मोबाइल लेके गायब हुआ, उसके बाद उसके मोबाइल को पूरा क्लीन किया गया है, मोबाइल लेके गायब हुआ है। क्या पता उन्होंने नोट भी लिखा होगा, फाड़ दिया होगा। चाबी वाले से इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो चावी वाला भी देखा होगा उसको लटके हुए। बट ये चीजें नहीं आई। राहुल ने एक बात कही थी कि मैं पीछे के दरवाजे से गया, 704 था ना, मतलब पीछे का दरवाजा था। ये सब लोग उसको यहाँ से बाहर ताला मार, आप लाश को लेके भागो, हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब ये जो दो चार लोग आप बोल रहे हो, देखिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनकी फैमिली को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। बहुत ही गरीब फैमिली है उनकी। 5,000 फैन, और वो भी गरीबों के घर में। जब मैं सरकार की तरह नहीं कि बार बंद कर दिया और लड़कियां सारी आत्महत्या कर रही है, वैसा नहीं हूँ। जब हम सीलिंग फैन उतारवा भी रहे तो हम टेबल फैन दे भी रहे। अब पूरे हिंदुस्तान में तो बांट नहीं सकती मैं, कुछ 5,000 घर है उनमें से हम लोग मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सीलिंग फैन निकाल के रुक जाएगी कहीं से, तो हम लोग को कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। सीलिंग फैन बंद हो गया तो आत्महत्या बंद हो जाएगी। लड़की का सबसे आसान है, सीलिंग फैन बंद हुआ, हम किसी फैन के खिलाफ नहीं है। 5,000 हाँ, टेबल फैन। आप चल, आप, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलिए, घर घर में चलिए। देखिए आप लोग एक सेकंड प्लीज साइलेंस। देखिए राखी जी का एक जो भावना है कि लड़कियां या औरतें ज्यादातर फैन से सुसाइड करती हैं, वो सिर्फ इनकी एज ए महिला, एज अ बींग अ गर्ल, एज अ बींग अ औरत, इनकी ये भावना है कि औरतें कमजोर हैं या लड़कियां कमजोर हैं। कहीं से तो पहल करनी पड़ेगी ना। और अगर नहीं, अगर वो सुसाइड नहीं भी करती हैं, हो सकता है कि उनका गला दबा के मारा गया हो और उनको बाद में फैन पे लटका दिया जाता हो, लटका दिया हाँ, गया हो, तो फैन एक इजी मुद्दा बनता है लोगों के लिए। फैन क्या इजी मुद्दा नहीं है ये, आप देखिए ना, वो सिर्फ इनकी एक भावना थी। See, video she said ki like definitely it will be directly reaching to the investigation department, to the police. Video she said, this is Saloni and Rahul's video. Yeah. Saloni has sent to Pritisha. उसके मोबाइल में है, हाँ, तो ये मोबाइल में से ये वीडियो डिलीट किसने किया? ये मोबाइल पुलिस के पास है तो पुलिस के पास वो वीडियो होना जरूरी है, तो किसने डिलीट किया? हाँ जी है, है, लेकिन ये मैं मीडिया को नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, ये क्राइम ब्रांच को देना है। ऐसा क्या है जो कि इतना कॉन्क्रीट है जिसको लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? What makes you think कि डिलीट हुआ?
See, already Rahul went took the phone. Rahul phone लेके क्यों चला गया? और उसने सारे messages का और पृथ्वी शाह के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करता था. कॉल रिकॉर्डिंग हुआ करता था पृथ्वी शाह के मोबाइल में. आज किसी की गर्लफ्रेंड है, अगर किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की प्रेमिका है जिससे वो शादी करने वाला था, हॉस्पिटल पे पहुंचा हुआ है, तो सबसे पहले वो चिंतित होगा. उसको अगर वो कहीं से भी उसके बचने की चांसेस हैं तो चिंतित होगा कि वो ठीक हो. ये नहीं कि उसकी मोबाइल लेके भाग जाए और चीजों को लेके भाग जाए. मतलब दैट्स अ पुलिस. लैला खान के बारे में मुझे नहीं पता था. जिया खान मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी अच्छी थी, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है अंदर के. मैं उसकी भी केस अभी तक नहीं, उसके लिए मैं बाहर नहीं आ पाई. मैं सोची जाने दो मैं नहीं आ पाऊंगी. मीडिया मुझे कुछ और ही कहती, इसलिए मैं शांत अपने घर में बैठी थी. लेकिन पृथ्वी शाह के लिए मैं बाहर आई हूँ, आवाज उठाने, जस्टिस मांगने मैं आई हूँ बाहर. मैं नहीं आने वाली थी. देखिए ऑब्वियसली किसी को तो पहल करना पड़ेगा. हमारे ही दोस्त हैं विकास गुप्ता, जो कि प्रतिशा के खास दोस्त हैं, वो भी पहल कर रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने आए. कामिया पंजाबी भी कर रही है, कितना वो हमारी दोस्त है. तो देखिए हम लोग अपने तरफ से हमारी भूमिका, हमारी जो सारे आर्टिस्ट मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री की एक फ्रेटर्निटी, फिल्म इंडस्ट्री के एक हम कलीग होने के वजह और इवन दोस्त एक अच्छी, इनकी जैसे मैंने कहा कि बहन जैसी थी, खास सहेली थी, तो ऑब्वियसली इनको पहल करना होगा. और आप मीडिया से हम लोगों की हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आप लोग पुलिस को इतना प्रेशर करें कि इसको केस को सिर्फ सुसाइड के एंगल से लीड नहीं करें, इसमें दूसरे भी एंगल देखें, मर्डर के एंगल देखें, व्हाटएवर एंगल देखें और सारी चीजों के तथ्य तक पहुंचे. आप लोग सुलझाते हो क्राइम ब्रांच में पुलिस के पास. सीरियसली हाँ, आप लोग बहुत अच्छा काम. देखिए नहीं नहीं, देखिए आप लोगों से बिल्कुल क्या ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है. जो एविडेंस लेके आ रहे वो एंड टाइम पे बैकअप करे, क्या हुआ नहीं आज तक? कभी होता नहीं है कहीं. नहीं देखिए देखिए जैसे मैंने कहा, आप लोग जिम्मेदार मीडिया हैं. नहीं नहीं, आप लोग जिम्मेदार मीडिया हैं. देखिए क्राइम ब्रांच में भी लोग आने वाले थे, उन्होंने कहा डीआईजी के पास जाना है हम लोग को. हमको डीआईजी के बगैर हम नहीं कर सकते, डीआईजी के पास जाना. प्लीज वन बाई वन अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं खत्म करो. नहीं देखिए प्लीज एक सेकेंड, प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस एक सेकेंड. देखिए आप लोगों से फिर से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, मीडिया हैं. डेफिनेटली अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर है कि जो चीज वो चीज क्या वो अभी आप लोगों के सामने नहीं ला सकते, तो उसके लिए फोर्स मत कीजिए. डेफिनेटली उसकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, पुलिस तक पहुंचना है, तो वो कार्रवाई होने दीजिए. आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल माध्यम है. हाँ या बताया ना उन्होंने, बताया. देखिए उन्होंने सलोनी एंड राहुल का नहीं, देखिए वो अभी ये क्लियर नहीं करेंगी. और दूसरी चीज ये है, नहीं राखी अभी आप नहीं कर सकते बिल्कुल. दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीज जरूर है जिससे कि प्रत्युषा शॉक हुई. उस वीडियो में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्रत्युषा देखने के बाद शॉक हुई है. एक शॉकिंग चीज ये थी जो राहुल ने मिटा दिया है मोबाइल लेके जाके. दूसरी शॉकिंग चीज ये थी कि उसको कुछ ही दिन पहले पता चला कि वो शादीशुदा है, जिस चक्कर में उससे मारा पीटी भी हुआ है, जो राहुल ने खुद कबूल किया है कि जिस दिन सुबह उसे या उसके पहले एक दिन रात को भी उनके झगड़े हुए और उसने उस पर फिर से हाथ उठाया. तो दैट वॉज अ कम्प्लीटली क्लियर एंड दैट ही हिमसेल्फ सेड टू द मीडिया और ऑल्सो टू द पुलिस. तो नहीं देखिए उनके कई हम लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं, बहुत वो पार्टियां करते थे, प्रत्युषा भी उस पार्टी में आती थी. अब ड्रग्स की देखिए, हाँ ड्रग्स की हम लोग क्लैरिफाई इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे सामने ऐसे नहीं कंज्यूम किए हैं, बट हाँ हमने भी सुना कि ही वॉज टेकिंग सम ड्रग्स, सम इवन अल्कोहल. तो कंफर्म है कि अल्कोहल लेते थे. इवन वो प्रत्युषा को फोर्स करता था कि वो भी पिए ज्यादा, एंड दैट्स द वे लाइक शी वॉज सच अ क्यूटेस्ट एंड ब्यूटीफुल. बट वो धीरे धीरे इतनी वो होती जा रही थी डिप्रेस में, मतलब पूरी तरह बुझी हुई. जो मेरा एक रिक्वेस्ट है बस यही है कि जो वीडियो था तो वो राहुल ने मोबाइल से क्यों डिलीट किया,
बहुत पुख्ता सबूत था पुलिस के लिए, सारे वॉइस कॉलिंग मैसेजेस और एक वीडियो था मोबाइल में, वो क्यों डिलीट किया राहुल ने, मोबाइल चोरी करके क्यों लेकर गया? ज्यादा लंबा करके मतलब नहीं, क्या आपने पुलिस को जाके अपना ये बयान दर्ज कराने की कोशिश की? आपने उनसे? नहीं, मैं नहीं गई हूँ, हम आपके द्वारा जाना चाहते हैं। अगर मैं अभी वहां पे जाके डायरेक्ट चली जाती तो कुछ नहीं होता। तो राहुल को नहीं पकड़ा है तो फिर हमारी बात कहां से सुनते? देखिए, आपके द्वारा जाना चाहते हैं माँ बाप बहुत ही हाँ, नहीं उनके वो प्रतीक्षा के जो माँ बाप है बहुत ही मध्यम वर्ग और बहुत ही छोटे परिवार से हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक उससे केस नहीं किया हुआ है। जो भी है, हम यही चाहते हैं कि आप लोग पहुंचे और पुलिस को फोर्स करें कि व्हाट इट कैन बी सॉल्व। चलिए, थैंक्स लॉट, थैंक्स। बस यही है कि पुलिस अपना काम बराबर करे, डेफिनेटली पुलिस अपना काम करे। और सिर्फ पृथ्वी शाह का ही सवाल नहीं है, वहाँ पे उनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी हुई है पृथ्वी शाह के साथ, उनको न्याय दिलाने के लिए। हम लोग को शूट करने दो, बाद में मोबाइल से क्या करने दो। राखी